ये तो रास्ता जाने जाने अब खुदा जाने आगे होगा क्या जाने। दिल तो है परिंदा आसमां को मांगे है उमंग जिंदा कैद तोड़ भागे काब है निगाहों में दूर दूर राहों में जाके हमको रहना है जिंदगी की बाहों में। भुलेया भुलेया जग सारा भुलेया मन मौज जमा बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ फातिमा। गाइस आज का जो है आज ईद का जो है वो सेकंड डे है और यप्पे भुर्रे और यप्पे भुर्रे इस बात में नहीं समझ नहीं आई। सो हमें आज ईद का सेकंड डे है बस और आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ बिकॉज आज कोई भी नहीं है और आज मैं थोड़ा सा लेट के आई हुई बिकॉज मैं सुबह 10:10 उठी थी। और आज जो है हमारे गेस्ट हैं मेरे पप्पू लोगों ने आना है सबने। सो अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं आया, अभी सिर्फ मेरे कज़न भी आए हुए हैं, वो आए मैं उनके साथ क्या करूँगी। सो अभी तो बस मैं फारिग हूँ बिल्कुल, मैंने कहा चलो ब्लॉग का इंट्रो ही कर लेती हूँ। तो आज मैं दोबारा से आप सबको कहना चाहती हूँ ढेर सारा ईद मुबारक। अगर आप लोग भी मुझे ईद मुबारक कहना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फिर मुझे इससे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे ईद मुबारक कह रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे लाइक बढ़ रहे हैं। और प्लीज़ अनलाइक मत कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू लोग आए हैं ना वो जल्दी लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे जो है फुल ड्रेस के मेरी फुल पिक देखनी है और फिर आप लोग मेरे जाइए इंस्टाग्राम पे, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है अपने इंस्टाग्राम का नाम और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, तो जल्दी जल्दी जाके देखिएगा। और मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है 10-11 बजे का और बहुत लगी थी। सर मैं मकरोनी खा रही हूँ। कुछ ही देर बाद जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो हमारे गेस्ट आने हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है वो हमारी कज़न आई थी और उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे ईद के और पीछे शोर बहुत था इसलिए मैं ऑडियो में बता रही हूँ। सो ये देखे बहुत प्यारा सा ब्लैक कलर का पर्स है, इसका जो बॉक्स है वो भी बहुत प्यारा है फ्लावर्स वाला। ये देखे ब्लैक कलर तो हर किसी का चल जाता है। और यहाँ पे जो है वो एक क्यूट सी मिनी सी छोटी सी एक पैलेंट है जो मुझे मिली थी बिकॉज मुझे मेकअप बहुत पसंद है। ये देखे इसके जो शेड्स हैं वो बहुत प्यारे हैं। अब मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ जो मैंने लगाई भी थी उसके बाद, और मेरी आईज जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें इसमें ग्लिटरीज भी हैं और सिंपल आई शेडोज भी हैं। क्यूट। सो थैंक यू फॉर इजापी टू सेंडिंग मे दिस गिफ्ट, बहुत प्यारे गिफ्ट सर। यहाँ मैं आपको अंदर खोल के दिखा रही हूँ। आई होप आप लोग को भी गिफ्ट अच्छे लगे होंगे ना। सो अब जो है वो हमारी जफियाँ वगैरह हो रही हैं, वैसे तो मैंने कहा था जहाँ जफियाँ पफियाँ हों। सो गाइस अभी जो है ना वो हम आई हुई है हमारे घर अब्दुल्ला एंड खदीजा यूट्यूब चैनल है उनका भी, और वो जो है वो मेरे कज़न्स हैं वो भी अभी आए हुए हैं और हमारे जो सारे गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। सो चलिए अभी हम खदीजा के पास चलते हैं। गाइस अब जो है वो खदीजा जो है वो मेरे साथ है और इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हमारा कुछ फोटो शूट वगैरह चल रहा था तो फिर कुछ ही देर बाद जो है वो खाना खाने जाएंगे। खदीजा को कुछ दुकान से खाना है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चला है।
मेरा नहीं दिल करा बिकॉज अभी मैंने कुछ देर पहले चीज़ खाई थी, तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पे। आ जा। धमाकेदार मौसम हुआ है, बहुत तेज जो है वो अभी हमारे चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो थी वो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और मैं थोड़ी सी बिरयानी खा रही थी बिकॉज बिरयानी जो थी वो बन चुकी थी, और उसके बाद जो मेरे अंदर से डांस निकल रहा था बिकॉज उस टाइम ना मैं डल हुई पड़ी थी। फिर खाने का टाइम होने लगा, हमने बर्तन वगैरह रख लिए हैं और मैं जो हूँ मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैंने बोलने का बिल्कुल दिल नहीं करना। तो खतूजा लोग जो थे वो हमारे लिए ट्रीट बैकरी का ये मज़ेदार सा केक लाए थे, और एक जो था वो मेरी ये वाला मेरी दोनों आपियों ने मिलके बनाया था, ये भी बहुत अच्छा था, और उनका भी सो उनके लिए थैंक यू, उन्होंने हमें ये ट्रीट बैकरी का मज़ेदार सा केक दिया। हमारे खाने में हमारे पास जो थे वो बिरयानी थी, कोफ्ते का सालन था, साथ पेप्सीज थी और साथ रायता था, और साथ कोफ्ते का सालन और साथ रोस्ट था, और दूसरी डिश में हमारे पास दो केक और कस्टर्ड था। यहाँ पर जो था वो केक के पीसेस हो रहे थे और सबको डिवाइडेड हो रहे थे, पुप्पो लोग सब हैप्पी बर्थडे टू यू लगे थे। मैं तो फिलहाल फूल जो थी उसने मेन में थी इसलिए मैं बाहर चुप करके बैठी हुई थी, मैं तो सो रही थी। और ये हमारी केक की जो है दोनों केक की फाइनल लुक, और सब भाइयों को चीज़ें वगैरह हर चीज़ें वगैरह बहुत अच्छी लगी थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी, और स्वीट डिश भी हमारी अच्छी बहुत थी, और केक जो थे वो बहुत मज़ेदार थे ये देखें। और किसी दिन मैं आपको इस जो हमने बनाया था उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, अभी मैं खा रही हूँ बड़ा। यहाँ पे जो था मैंने आपको बताया हमारे घर में बहुत गेस्ट आ चुके थे और शोर काफ़ी था, तो इसलिए मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग करी, और केक जो था वो आला बना हुआ था पाइन एप्पल जिसके अंदर एक तो चॉकलेट मेरी फेवरेट और इतनी ज़्यादा चॉकलेट थी, मज़ा आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ। इस लोग का एंड होता है यहीं पे, रात अभी तो फिलहाल सुबह है और रात को मैं नहीं कर पाई बिकॉज रात को जैसे मेहमान गए थे बस मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी, हमने मैट ही बिछाया था और मैं वहाँ पे गुमसुम होकर सो गई और मुझे बहुत नींद आ रही थी, और इस वजह से मैं रात को एंड नहीं कर पाई। सो इसलिए अब मैं एंड कर रही हूँ व्लॉग का, और आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ईद तो फिलहाल अब चली गई और अब अगली ईद आएगी बकरा ईद, तब भी वो तो मेरी फेवरेट ईद है, सबकी फेवरेट ईद है क्योंकि जानवर रखने का हर किसी को शौक़ होता है। और उस बकरा ईद पे ना कुछ स्पेशल है, वो मैं आपको तभी बताऊंगी। सो अभी तो है वो ईद ख़त्म हो गई और इस लोग का एंड भी यहीं पे होता है।